सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्त बिन का जादू गाइस। सो दोस्तों, अभी हम आए हैं मम्मी के लिए ब्लाउज का कपड़ा लेने के लिए गाइस। तो अभी चलते हैं ब्लाउज का कपड़ा लेने के लिए अंदर। सो दोस्तों, ये है पानीपत का सुभाष बाजार करण मार्केट, और यहाँ पर जो है सारी मैचिंग के हो या फिर ब्लाउज के कपड़े हो, पेटीकोट हो, सारे मिल जाते हैं इस भैया के पास। तो मैं आगे मैं इनका जो है मैं आपको एड्रेस दे दूंगी, अगर आपको चाहिए हो तो देख लेना आप। यहाँ पर जो है पानीपत में ना, कहीं भी आप रहते हो तो इस वाले शॉप में आ जाना, आपको सारी मैचिंग के कपड़े मिल जाएंगे, एक से बढ़कर एक डिजाइनर कपड़े। तो मैंने इनको निकाल के दिखा दिया है मम्मी का साड़ी। तो दोस्तों, पहली बार मैं मम्मी के लिए ब्लाउज बनवा रही हूँ और मेरे पास माप भी नहीं है ब्लाउज का, बट देखते हैं क्या कुछ होता है आगे। बट मेरा मन है गाइस, पहली बार मैंने कुछ अच्छा डिसाइड किया है, देखो क्या होता है, मेरा सपना पूरा होता है या नहीं। क्योंकि मम्मी को जो है मैंने इमेजिनेट किया है ना, जिस तरह की ब्लाउज में वैसा ब्लाउज बन पाता है या नहीं, आगे आपको पता चली जाएगा। तो भैया जो है कई सारे उन्होंने ब्लाउज के कपड़े दिखा दिए मुझे, डिजाइनर, बट मुझे पसंद नहीं आ रहा था। मैं कहती कुछ ऐसा दिखाओ जो मेरी मम्मी के बॉडी में चुभे भी ना, कंफर्टेबल रहे और बेस्ट लगे, मतलब बेस्ट चाहिए मुझे, बेस्ट ऐसा दिखाओ कुछ। तो साड़ी गाइस, ये जो है ना पिछली दिवाली पर मैं लेकर आई थी 4,500 का मम्मी का साड़ी, और ये साड़ी मुझे ना आज तक का सबसे बेस्ट साड़ी लगता है। इतना कंफर्टेबल है ना मम्मी के ऊपर, इतना अच्छा लगता है कहना ही क्या। सो दोस्तों, इस साड़ी के मैचिंग का इन्होंने ब्लाउज का कपड़ा दिखाया है मुझे, बट मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। सो यहाँ पर जो है मुझे पसंद नहीं आ रहा है, और मुझे लास्ट मोमेंट पे पता है क्या लगने लगा कि मुझे मिलेगा ही नहीं। सो गाइस, कपड़े आ चुके हैं डाई होके, और डाई के लिए दिए थे 2-4 घंटे बाद जो है हमें कपड़े मिल गए हैं ब्लाउज के, और कुछ कपड़े उधर सूख रहे हैं जो कि आप देख सकते हो उधर। और गाइस, ये जो है कुछ कपड़े इधर सूख रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी सुखा रही हूँ, सुखा के फिर टेलर के पास चलेंगे, मम्मी को लेकर भी चलना है और फिर माप देंगे और फिर देखते हैं क्या होता है आगे। और लेस भी, लेस बोलते हैं मैंने, लेस बोलते हैं, आई डोंट नो जो भी बोलते हैं, हम जाऊँगी वो भी ले लेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है कैसा ब्लाउज बनकर तैयार होता है। पंखी में जो है ये सुखा रही हूँ डाई किया हुआ कपड़ा, एक सूख चुका है और दूसरा अभी पेंडिंग है, एक उधर सूख रहा है। सो अभी थोड़ी देर में टेलर के पास चलेंगे, बुटीक वाले के पास, देखते हैं क्या बना के वो देखते हैं। हमें मिलेगा जी, एक कटे का तो मिलेगा, इसलिए दो एक्स्ट्रा काटते हम। अच्छा, फिर वहाँ से फोल्ड करते हैं, जहाँ कैंची लगी वहाँ से तो मिलेगा। और ये वाली सारा नलकी वर्क हो गया, जर्कन होगी, जर्कन इतने खेलना नहीं है, बड़े लगाएगी ये नहीं, ये तो नहीं लगवा रही हूँ मैं, ये तो वो पर्ल वाला भी निकले, सारी सबसे बड़ी डल लग रहा है मुझे, जैसे बुजुर्ग है। चंदालो ब्लाउज पे तो लगनी है खाली, खाली ब्लाउज और बाजू पे, और क्या, गला बाजू लगनी है। ठीक है, ये ठीक है भाई, अगर बाजू पे लगवाना उसके साथ लगा सकते हैं। कितनी डेढ़ दो हल्का ही लूज है ना, ज्यादा तो नहीं, मतलब इतना तो अच्छा नहीं है, एक होता है ना जो यहां से बिल्कुल ऐसे फेंक वाला हल्का सा लूज, नहीं मैं ना आपको एक दिन पहले दे दूंगी कि घर जाके आप ना चेक कर लेना, अगर कोई दिक्कत लगी लूज या टाइट करने का वो बता दूंगा। जैसे ना इसका डाई कराया था, अब जो ये बोल रहे हैं कि पूरा आगे से बंद, सो दोस्तों यहाँ पर माप वाप दे दिया है, जितनी रंग बिरंगी गालियां खानी थी वो खा चुकी हूँ आशीर्वाद के तौर पर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लास्ट मोमेंट में मेरी माँ के चेहरे पर खुशी आती है, हंसी आती है, तो वो सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है मेरे लिए। तो दोस्तों, मम्मी का लुक देख सकते हो आप, और आज मैंने मम्मी को तैयार किया है, दिवाली वाले दिन मम्मी ने ये ब्लाउज पहना और मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी कहना ही क्या। सच बताऊं, आज तक ना मेरी मम्मी कभी पार्लर नहीं गई, लेकिन उनके चेहरे पर जो चमक दिखती है ना, वो बस मैं बयान नहीं कर सकती, मतलब इस एज में भी इतनी ज्यादा चमक है जो कि मेरे चेहरे पर भी नहीं दिखती। तो ये मेरे मम्मी का लुक, और ठीक मैंने जैसा सोचा था ना लुक मम्मी का, वैसा ही निकल कर आया है कान्हा जी की कृपा से। तो ये मम्मी का फाइनल लुक है, फुल बाजू ब्लाउज बनवाया, बैंड नेक बनवाया मैंने, और नेक पर और बाजू पर जो है लेस लगवाया था, जो कि हम खरीदने गए थे वो वाला लेस। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ गले का डिजाइन। तो दोस्तों, पहले तो आप हाथ का देख सकते हो डिजाइन, यहाँ पर लेस लगवाया था और ये कपड़ा डाई करवाया था मैंने, व्हाइट कलर का जो मैंने पसंद किया था उसी को
डाई करवाया था और नेक पर ही सेम राउंड नेक बनवाया मैंने। बैक से हुक लगवाया था, फ्रंट हुक मैंने नहीं लगवाया इसमें। और नेक का आप देख सकते हो कि बैंड नेक है और उस पर जो है मैंने लेस लगवाया। वैसे मैं डबल लेस चाहती थी, उन्होंने कहा डबल लेस नहीं लग पाएगा। तो दोस्तों मेरी मम्मी का ये ब्लाउज आपको कैसा लगा जरूर बताना। ये डिजाइनर ब्लाउज को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मैंने जितने धक्के खाए कोई बात नहीं, बट जो मम्मी के चेहरे पर हंसी आई ना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।